Varanasi UP Union Minister Piyush Goyal says India Airlines is troubled by the support that the PM Modi is getting from the people. PM Narendra Modi has preserved the culture and faith of India and its people and gave a grand temple at the birthplace of the Lord Ram. He says that the development should happen with the heritage. The opposition is afraid of the people bringing those who brought Lord Ram. कैसा लग रहा है वाराणसी में सबसे पहली आपकी प्रतिक्रिया? नरेंद्र, बनारस एक तीर्थ स्थान है। 2013 से ही लगातार बनारस के परिवार को मोदी जी ने अपना परिवार बनाया और मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं सबके साथ जुड़ा रहा। कई बार आने का मौका मिला, कई यहाँ की योजनाओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो जब भी मैं बनारस आता हूँ एक अलग ही अपने आप में सुकून भी महसूस करता हूं और गर्व भी महसूस करता हूं जब बनारस के कायाकल्प को देखता हूं। सर, लोगों में बहुत उत्साह भी देखा आपके साथ, सारे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं, महिलाओं ने तो आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया कि आप काफी फिट भी है। योगा, जो प्रधानमंत्री जी ने योगा का इनिशिएटिव लिया उसका यहाँ पर आप साक्षात प्रमाण देख रहे हैं बाबा की नगरी में। चूंकि चुनावी माहौल है तो प्रश्न पूछना जरूरी है, 2024 का इलेक्शन, बस एक चरण का मतदान बाकी, आपका ओवरऑल रिव्यू क्या कह रहा है, क्या लग रहा है? मुझे भी सौभाग्य मिला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने का। मैंने जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद शायद ही कभी कोई चुनाव में एक पक्ष एक नेता के प्रति देखा हो। 40 साल से चुनाव लड़ाते लड़ाते हमने भी देखा है कितनी कश्मकश करनी पड़ती है वोटर्स को सुबह 7 बजे निकालने के लिए, कितना प्रचार में मेहनत लगती है कि लोगों को उतारें, घरों से उतारें, जोड़े चुनाव में। इस बार जो भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के हमारे भाई बहन, मोदी का परिवार अपने आप से उमड़ उमड़ के हर कार्यक्रम में आता था, जिस प्रकार से चुनाव के दिन 7-7:30 बजे तक लंबी लंबी कतार लग गई थी हर पोलिंग बूथ पर, ये दर्शाता है कि ये एक सकारात्मक लोगों के बीच में आशा कि देश एक विश्वगुरु बने, देश एक विश्व शक्ति बने, एक विकसित देश बने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपार विश्वास है वो आज देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। और कोई इलाके में चले जाएं देश में इसी प्रकार का माहौल है। 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में भारत की जनता देने जा रही है। बनारस की जनता ने तो जो आनंद लिया है, जो विकास का गंगा बही है बनारस में गत 10 वर्षों में, अब वो और बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में बनारस और आगे जाए, इसके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे बनारस हो, पूरा पूर्वांचल हो, एक क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में होने जा रहे हैं। लेकिन सर, इंडिया अलायंस की अगर बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आप 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं, डरे हुए हैं, चारों खाने चित हो जा रहे, 140 से ऊपर तो आएंगे ही नहीं, तमाम जितने विपक्षी नेता है, चाहे अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, तमाम लोग यही बात कह रहे हैं। तमाम यानी एक ऐसा भ्रष्टाचारी लोगों का मिलजुल के छोटा मोटा गठबंधन जो अपने परिवारों को बचाने के अलावा देश हित की कोई बात नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार का देश भर में उमंग और उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है, जिस प्रकार से देश भर की खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत तेज गति से लोगों के दिल में भी बैठे हैं और लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे शायद इंडिया अलायंस को तकलीफ हो रही है, जिसके कारण वो इस प्रकार के बयान देकर कोशिश कर रहे हैं कि अपना अस्तित्व बनाए। अगर ऐसा है तो जरूर हमें जवाब मिलना चाहिए कि अगर एक रोड शो तय हुआ परसों यहाँ पर, वो रोड शो को आधे रास्ते क्यों बंद करना पड़ा? क्यों सोचा कि अब नेता चले गए और रोड शो को ही आधे अधूरा छोड़कर एक संदेश दे दिया कि वैसे ही उन्होंने घुटने टेक दिए?
एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप बाबा की नगरी में है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से टूरिज्म निश्चित तौर पर बढ़ा है और श्री राम मंदिर रामलला का निर्माण हुआ। बीजेपी लगातार कहती आई है कि जो राम को लाए हैं वही जनता भी उन्हें ही लेकर आएगी और इस तरीके से जनता का भी जोश दिख रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अदर पार्टी यही कहती है कि आप लोगों ने एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में प्रयोग किया प्रभु श्री राम को या अन्य चीजों को। आप लोगों की हेट की राजनीति आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि आप लोग नफरत की राजनीति करते, झूठ की राजनीति करते, लगातार इस पूरे इलेक्शन में यही आरोप लगे, उसको किस तरीके से खड़ा करते हैं? मुझे लगता है जनता का आदेश और जनता की भावनाओं को पूरा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्ष की संघर्ष को, 500 वर्ष जो प्रभु श्री राम वनवास में रहे उसको समाप्त करके प्रभु श्री राम को अपने घर में बसाने का काम किया, अपने जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके देश की आस्था, देश की अस्मिता, देश की विरासत को संभाल के रखा है। प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं कि विकास भी हो और विरासत भी रहे, और मैं समझता हूं कि ये बात विपक्ष को चुभ रही है। विपक्ष तय नहीं कर पा रहे कि वो इस मंदिर को की सराहना करें, इसका साधुवाद करें या उसको। आज तो हमें डर लग रहा है कि विपक्ष जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे राम, प्रभु श्री राम को भी अपने से छीन लें, मंदिर भी सुरक्षित ना हो अगर विपक्ष और इंडिया अलायंस के लोगों के बयान देखें। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी